यार बाबा, लेकिन आपका ओपिनियन तो होना ही चाहिए। किस बात पे? 1970 में जो रिफॉर्म किया है मोदी जी ने, ये नहीं आएगा। रिफॉर्म किया गया है मोदी जी ने, उस पर आप क्या कहते हैं? पहले मैं इस पे पढ़ूंगा, मैं देखूंगा, उसके बाद बताऊंगा। देख, मैं इस चीज में कोई बोलने वाला नहीं है, लॉ का काम है। मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि कश्मीरी, आई लव कश्मीरी पीपल, आई लव कश्मीर, क्योंकि कश्मीर इंडिया का हिस्सा है। हम चाहते हैं कश्मीर इंडिया में, और वो हो रहा है। और हम दुआ करते हैं कि हम सब मिलजुल के रहे और हमारे देश में अमन फैले, चैन फैले। और तेरे इस रिपोर्टर को अल्लाह बस मेरे लिए इससे बड़ा गिफ्ट कभी कुछ भी नहीं है। मैं भाई को इनवाइट किया था अभी, इससे पहले भी मतलब मैं जब लास्ट टाइम जो मैटर हुआ था, एक मैटर था, तो वो टाइम पे भी मैं भाई को नहीं बताया था, क्योंकि मेरे को लगा था कि बिजी थे, बिजी होंगे, उनका काम वगैरह था, शूट से ना, तो मैं नहीं इन्फॉर्म किया था। पर वो टाइम पर पता चला था, तो रमज़ान में रोज़ा रख के पूरी टीम के साथ लड़ लेके ये पहुँच गए थे वहाँ। तो वो टाइम से फिर भाई की इज्जत जो थी और ज़्यादा हो गई है। फिर मैं तब से मैं इनके लिए कुछ भी कर सकता। कुछ मत कर, मेरे लिए तो स्टार बन छोटे। एक आखिरी सवाल, राखी सावंत ने शादी की है बताइए, इन्फॉर्मेशन आपको मिला होगा एनआरआई के साथ शादी के लिए थोड़ा? अरे राखी सावंत मेरी दोस्त है, एक बहुत अच्छी लड़की है, उसने पूरे घर को पाल पोस के बड़ा किया है। उसको हिंदुस्तान की सारी लड़कियों को राखी सावंत को आइडल मान के जी। राखी सावंत एक कैरेक्टर है, जो वो कॉमेडी करती है वो सिर्फ ऑडियंस को हंसाने के लिए करती है, उसकी पर्सनल लाइफ है। मैं उसको तहे दिल से विश करता हूँ कि राखी अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश रहे, अमन और चैन से रहे, और हमारे एनआरआई जीजा जी कौन है वो मुझे पता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।